दोस्तों नमस्कार। डीपी फ्लूट्स फोटोग्राफी कॉन्टेस्टेंट नंबर 2 के प्रोग्राम्स लेके मैं आया हूँ। इन्होंने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है लगता है। इन्होंने जंगल में जाके झाड़ में बांसुरी को रख के एक पर्सपेक्टिव लेके फोटोग्राफी की है। मुझे नहीं लगता इन्होंने पोस्ट प्रोसेसिंग कुछ किया है, एडिट किया है। मैं सबको ये सुझाव दूंगा कि आप किसी भी तरीके से फोटोग्राफ को इन्हेंस कर सकते हो। आप कुछ भी पोस्ट प्रोसेसिंग आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए। मोबाइल में अगर आप फोटो खींचते हो तो वहाँ वहीं पे भी आप एडिट कर सकते हो, राइट। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जैसे कि स्नैपसीड हुआ, पिक आर्ट हुआ, लाइटरूम हुआ। इन सब एप्लीकेशंस फ्री में आप डाउनलोड करके आप पोस्ट प्रोसेसिंग एडिटिंग कर सकते हो, कलर करेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आज के जो कॉन्टेस्टेंट दैट इज कॉन्टेस्टेंट नंबर 2 है दर्शन जोशी। दर्शन जोशी जी जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि सर मुझे एक बांसुरी खरीदनी है आपसे, तो पहले मैं आपकी बांसुरी देखता हूँ, उसके बाद मैं लाइव कस्टमर, अगर मुझे बांसुरी अच्छी लगी तो मैं लाइव कस्टमर ज्वाइन करता हूँ। तो उन्होंने खरीदी एक बांसुरी, एफ नेचुरल बेस की बांसुरी खरीदी और उनको वो बांसुरी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने फिर लाइव कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो चलिए इनकी फोटोग्राफ्स को देखते हैं। फोटोग्राफ एक दो फोटोग्राफ्स उन्होंने पोर्ट्रेट में लिया है और बाकी के फोटोग्राफ्स लैंडस्केप में हैं। आप इन फोटोग्राफ्स को भी ध्यान देना, देखना आपका आपका राय क्या बनता है। नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। इन फोटोग्राफ्स को मैं चलाता हूँ, आप देखिए। तो आपने देख लिया होगा इन खूबसूरत फोटोग्राफ्स को जिनको दर्शन जोशी जी जो कि गुजरात के रहने वाले हैं इन्होंने खींच के मुझे भेजा है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी कॉन्टेस्टेंट तब जीतता है जब इस वीडियो में लाइक्स, कमेंट और ऑफकोर्स व्यूज ज्यादा आते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स में देखा जाएगा बाद में कि सबसे ज्यादा यूजर इंगेजमेंट जिस वीडियो में हुआ, आपके कमेंट्स आए। आप बता सकते हैं कि कौन सी फोटोग्राफ में आपको क्या लगा, कौन सी फोटोग्राफ अच्छी लगी। कल का जो सिद्धार्थ शर्मा जी के जो फोटोग्राफ्स थे उन पे कुछ लोगों ने कमेंट किया है। अभी हालांकि बहुत कम लोगों ने देखा है, मैं आग्रह करता हूँ कि उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो को ऊपर दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ लोगों के डाउट्स है कि सर वोट कैसे करना है। यहाँ पे वोट नहीं करना है, आपका कमेंट करना, लाइक करना ही ये वोट हो जाता, ठीक है ना। मैंने जैसे कि बोला कि बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूजर एंगेजमेंट मैं बाद में रिजल्ट की घोषणा करूंगा। आप बस कमेंट कर देना कि आपको फोटोग्राफ्स कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और दर्शन भाई इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो पे जहाँ पे आपके फोटोग्राफ्स से यूजर एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। फोटोग्राफ्स कैसी हैं आप बताना। नेचुरल तरीके से इन्होंने फोटोग्राफ खींचा है। हालांकि मैं कोई जज नहीं हूँ कि जज कर दूँ कि पहले वाले फोटोग्राफ से ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। ये आपके आपके ऊपर है कि आप कैसा रेस्पॉन्स देते हैं इन फोटोग्राफ्स को। सेकेंडली किसी भाई ने मुझे पूछा कि सर मेरे पास तो डीपी फ्लूट्स नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने इस कॉन्टेस्ट के टर्म्स में जो पहला वीडियो मैंने बताया था उसी में मैंने बताया था कि आपको डीपी फ्लूट्स की फोटोग्राफ खींचने, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यू नो पार्टिसिपेट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी तो डीपी फ्लूट्स की फोटो खींच के भेजनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच दर्शन भाई, आपकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।